अब यजुर्वेद के बाद पढ़ेंगे हम अथर्ववेद। जो अथर्ववेद था इसमें क्या था, इसमें जो थे 711 हिमंत थे, और इनको डिवाइड किया हुआ है कितने में, इनको डिवाइड किया हुआ है 20 कांड्स में। 20 कांड्स में इनको डिवाइड करके रखा है। कांड्स का मतलब हो गया ये बुकें होती है जिनको जो है अथर्ववेद को 20 बुक्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। और ये जो है मोस्टली डील किससे करता है, ये मैजिक से डील करता है। इसमें मैजिक मैजिक के बारे में बात की हुई है। ये था आपका अथर्ववेद।